भाजपा के राज्य पदाधिकारी ने घोषणा की कि वे जल्द ही अपने केरल जन्म टीवी चैनल का विस्तार तमिलनाडु में करेंगे। जहां सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्ना द्रमुक दोनों के पास दशकों से टीवी चैनल है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही तमिलनाडु में अपने केरल टेलीविजन चैनल का विस्तार करेगी। जहां सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्ना द्रमुक दोनों के पास दशकों से टीवी चैनल है, भाजपा के वरिष्ठ राज्य पदाधिकारी ने तमिलनाडु में अपने केरल टीवी चैनल के विस्तार की घोषणा की। भाजपा के एक वरिष्ठ राज्य पदाधिकारी ने कहा कि अप्रैल 2015 में केरल के जन्म टीवी को इसी नाम से तमिलनाडु में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये वही टीम होगी कट उन्होंने कहा ये वही टीम होगी जो यहाँ चैनल चला रही है और हम उनका समर्थन करेंगे और तमिल संस्करण बहुत जल्द शुरू होगा। पार्टी के नेताओं ने कहा चैनल के शुरू होने की संभावना है और जब भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई इस महीने के अंत में अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि अन्नामलाई 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए चैनल के लॉन्च के साथ उनकी पदयात्रा स्थगित होने की संभावना है, लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑन एयर होगा। इस मामले से वाकिफ लोगों ने कहा हम चैनल लॉन्च करने के लिए एक सेलिब्रिटी की भूमिका निभाएंगे। ये राज्य में पैठ बनाने के बीजेपी के प्रयासों में से एक है, जहां AIADMK के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भगवा पार्टी के रूप में इसकी छवि को समर्थन नहीं मिला है। दिसंबर 2016 में जो जयललिता की मृत्यु के बाद 2017 में शुरू हुआ ये गठबंधन समय के साथ खट्टा होता जा रहा है। अगर दोनों संसदीय चुनावों के लिए भाग लेंगे तो सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा का मानना है कि तमिलनाडु में समाचार मीडिया को द्रविड़ पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए केवल उनके द्वारा संचालित एक चैनल ही लोगों के लिए भाजपा के दृष्टिकोण को संप्रेषित कर सकता है। जुलाई 2021 में राज्य में पार्टी इकाई के प्रमुख के रूप में अन्नामलाई के पदभार संभालने के बाद उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। ये देखते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन अब सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री केरल में जन्म टीवी के लॉन्च के 3 साल बाद ये सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मुद्दे की कवरेज के दौरान नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी।